हेलो गाइस, आज हम जानेंगे एसक्यूएल अर्थमेटिकल ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर एक कॉलम से दूसरे कॉलम को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेरी देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम नेम प्लस सेकेंड कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। कंडीशन हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, जो भी हमें डेटा फिल्टर करना है। तो नाउ यूज कर लेते हैं, कॉलम ले लेते हैं अमाउंट कॉमा सैलरी अमाउंट। इन दोनों कॉलम को जोड़ लेते हैं, अमाउंट प्लस सैलरी अमाउंट एग्जीक्यूट। तो यहां पर हम देख सकते हैं अमाउंट कॉलम और सैलरी अमाउंट कॉलम जुड़कर आ चुका है। तो यहां पर हम कंडीशन लगा लेते हैं वेयर अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 500। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अमाउंट कॉलम है ग्रेटर देन इक्वल टू 500 वैल्यू है, उनका डेटा निकलकर आ चुका है। एक कंडीशन और ऐड कर लेते हैं, एंड सैलरी अमाउंट ग्रेटर देन 1000 एग्जीक्यूट। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये डेटा फिल्टर होकर आ चुका है। एडिशन ऑपरेटर के साथ हम पर्टिकुलर वैल्यू भी ले सकते हैं। यहां पर हम 100 कर देते हैं, 100 एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 100 प्लस होकर आ रहे हैं। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर एक कॉलम से दूसरे कॉलम को माइनस करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेरी देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम नेम माइनस सेकंड कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो नाउ यूज कर लेते हैं, यहां पर कॉलम ले लेते हैं सैलरी अमाउंट माइनस अमाउंट एग्जीक्यूट। तो यहां पर आप देख सकते हैं सैलरी अमाउंट में से अमाउंट कॉलम माइनस होकर आ रहा है। यहां पर हम अमाउंट कॉलम की जगह कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू भी दे सकते हैं, 189 एग्जीक्यूट। तो यहां पर आप देख सकते हैं सैलरी अमाउंट कॉलम में से 189 वैल्यू माइनस होकर आ रही है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एक कॉलम से दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेरी देख लेते हैं, सिलेक्ट कॉलम नेम इनटू सेकंड कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन इनटू अमाउंट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अमाउंट कॉलम और सैलरी अमाउंट कॉलम मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं। यहां पर हम एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी ले लेते हैं, 10 एग्जीक्यूट। तो यहां पर आप देख सकते हैं सैलरी अमाउंट कॉलम में मल्टीप्लाई 10 होकर आ रहे हैं। यहां पर हम कंडीशन ले लेते हैं वेयर सैलरी अमाउंट लेस देन 1500 एग्जीक्यूट। तो यहां पर आप देख सकते हैं सैलरी अमाउंट कॉलम में लेस देन 1500 वैल्यू है, उनमें 10 मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं। डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर एक कॉलम से दूसरे कॉलम को डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेरी देख लेते हैं, सिलेक्ट कॉलम नेम डिवाइड सेकंड कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। नाउ यूज कर लेते हैं, डिवाइड अमाउंट कॉलम
एग्जीक्यूट। तो यहां पर आप देख सकते हैं सैलरी अमाउंट कॉलम से अमाउंट कॉलम डिवाइड होकर आ चुका है। यहां पर हमने कंडीशन भी दी हुई है सैलरी अमाउंट लेस देन 1500, इनका डेटा निकल कर आ चुका है। मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर एक कॉलम से दूसरे कॉलम की परसेंट निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेरी देख लेते हैं, सिलेक्ट कॉलम नेम परसेंट सेकेंड कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, नाउ यूज कर लेते हैं, कंडीशन हटा देते हैं, सैलरी अमाउंट परसेंट अमाउंट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं डेटा निकलकर आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।